उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में आज जनपद झांसी के ग्राम सिजारी बुजुर्ग में विशाल किसान पंचायत का आयोजन है, जिसमें समस्याओं को लेकर किसान खूब गरजे। जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी गई। पंचायत में मुख्य रूप से विगत दिनों पहले पीडब्ल्यू विभाग ने गाँव के बीच से रोड बनाया था। रोड तो बन गया, लेकिन रोड के दोनों साइड में आज भी नालियां नहीं बनी, जिससे पूरा गंदा पानी किसानों के घरों में घुस रहा है। पूरे गांव में गंदगी का अंबार है। गांव में गौशाला ना होने से किसान अपने खेतों में बोई हुई रवी की फसल को बचाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। हाड़ गलाऊ ठंड में किसान खेतों में झोपड़ी बनाकर फसलों की रखवाली कर रहा है, फिर भी फसल नहीं बचा पा रहा है। मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के केसीसी से बीमा प्रीमियर काटा जाता है, फिर भी बीमा क्लेम नहीं दिया जाता। किसानों ने सीधे सीधे आरोप लगाए। विगत माह पूर्व खरीफ फसल संपूर्ण रूप से नष्ट हुई थी, अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों की कोई नहीं सुन रहा। किसानों ने आरोप लगाए कि विद्युत कटौती से बेहाल किसान परेशान है। खेतों में फसलों की सिंचाई हेतु पर्याप्त बिजली ना मिलने से किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र मिश्रा है मेरा नाम। किस गांव के रहने वाले? सिजारी बुजुर्ग के रहने वाले। क्या समस्या है यहाँ? किन समस्याओं को लेकर पंचायत बुलाई है? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि जो पानी, बरसात का पानी गांव से नहीं निकलता है। नाली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मतलब पीडब्ल्यूडी वाहन ने रोड बना दिया, लेकिन नाली आज तक नहीं बनाई है, जिससे मतलब हर गली में गंदा पानी भरा रहता है। सबसे बड़ी तो ये समस्या है। इस समस्या को देखते हुए पंचायत बुलाई गई है। और दूसरी पंचायत मतलब समस्या है अन्ना जानवर की, जो छट्टा फिर रहे हैं रोजाना, और आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होता रहता है। कहीं किसान मतलब रोड पर फिरते हैं, कहीं किसानों की फसल चट कर जाते हैं। जो रात दिन किसान मेहनत करके फसल रखवाली करते हैं, तो ऐसे मौसम में मतलब ज्यादा परेशानी किसानों को सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुनीम सिंह। किस गांव के रहने वाले हैं? सियारी बिजोग। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, यहाँ सब जानवर ना फिरते हैं, किसान परेशान है, रात में भी दिन में भी, और रोड पर भी फिरते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं कि इसका कोई बंदोबस्त होना चाहिए, कोई सुनाई ही नहीं है। दादाजी, क्या नाम है आपका? किस गांव के रहने वाले? क्या समस्या है? समस्या जो है नाली की समस्या है, अन्ना ढोने की समस्या है। और दादाजी, क्या नाम है आपका? मनोज पाठक। किस गांव के रहने वाले? ग्राम सिजारी बुजुर्ग। किन समस्याओं को लेकर पंचायत लगाई है? समस्याओं को लेकर सरकार बोल रही थी कि 2022 में किसानों की आय दुगनी की जाएगी। किसानों की दुगनी आय ना करके, और जबकि महंगाई, खाद बीज की समस्या सबसे ज़्यादा हुई कि आदमी खेत समय से नहीं बो पाए, उनके मारे बेचारों ने सुबह का भोजन भी रात्रि में ढंग से नहीं खा पाया। पूरे दिन व्यक्ति व्यस्त रहा, न खेत पर रह सका और ना और खाद भी नहीं मिला उसको। खाद की समस्या को लेकर के, खाद की भी समस्या है, और डीजल, पेट्रोल, हर चीज़ पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर महंगाई ना हुई हो। और किसानों का माल जो है मद्दा बिका जाता है, वो अपनी कीमत से नहीं बेच पाता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जो भाव वो कहते हैं उस भाव देना पड़ता है, मजबूरी है। किसान को पैसे की आवश्यकता रहती है, इसलिए वो दे करके चला आता है। और किसान के माल की कोई कीमत नहीं रखी जाती है, ना किसान अपने भाव कर पाता है। इसलिए किसानों का जो गेहूँ है, चना है, मसरी है, मटर है, इनके अपने मूल्यांकन के अनुसार इनको निर्धारित, इनके भी दाम बढ़ने की जरूरत है, जो कि आज भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। वो अपनी मनमानी कर रही है, वो सब जगह महंगाई हो रही है, लेकिन किसान की जो अन्न है, गेहूं है, पिसी है, राई है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे, वो सस्ते मूल्यांकन से जाती है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है। और किसानों की कहीं कदर नहीं है, चाहे वो कहीं भी चला जाए, उसकी कोई गिनती नहीं गिनी जाती है कि आखिर है क्या मानव इंसानियत। सब लोग कहते हैं और सब अपनी मनमानी करते हैं, कहीं भी जाओ
सब लोग पैसा मांगते हैं, बिना पैसे का कहीं कोई काम नहीं करता है, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे तुम्हारा जिलाधिकारी हो और चाहे तुम्हारी पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई भी हो। तो ये सब भ्रष्टाचार मचा हुआ है, अपनी मनमानी करते हैं और समय से कोई देखभाल नहीं की जाती है, केवल कागजों के द्वारा लेखा परी कर देते हैं और काम जैसी राधे कर देते हैं।